नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अमन दीप क्रिकेट अकेडमी में। नमस्कार, मैं अलंकार गौतम बोल रहा हूं और APL 6 का पूल बी का दूसरा लेकिन महत्वपूर्ण मुकाबला प्रारंभ हो चुका है जो खेला जा रहा है यहां पर टीम अमन दीप क्रिकेट अकेडमी और सहगल क्रिकेट क्लब के बीच। और यहां पर ये लीजिए दूसरी बाउंड्रीज बीच निकल चुकी है, अंदर बॉल क्या अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली और स्ट्राइक पे बल्लेबाज निहाल वडेरा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, हालांकि मूलतः पंजाब से ही है, पटियाला शहर से। दो गेंदों पे दो चौके, अंदर कर दिया था दोनों बॉलों को। पहले बलतेज जो है लॉन्ग लेग में उनके राइट साइड से किया और दूसरा फिर लेफ्ट साइड से। अभिषेक शर्मा इस समय वर्तमान में छोड़ा बॉल को और यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ। तो वर्तमान में पंजाब रणजी टीम के कप्तान हैं और आज देश की क्रिकेट की जरूरत बन चुके हैं। फ्लाइटेड बॉल कलाइयों के सारे धकेला मिड विकेट की जानी, वहां फील्डर इससे पहले के बॉल को उठाते एक रन दौड़ करके पूरा किया और अब स्ट्राइक पे है बल्लेबाज अनमोल शर्मा। ये भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और एज कैटेगरी में दिल्ली के लिए खेल चुके हैं। फिलहाल वापस गेंदबाज तैयार, ये पुल किया है फील्डर, क्या ले पाएंगे, ये लीजिए कैच पकड़ा, पहली विकेट का पतन। ने कैच पकड़ा, उल्टा पहले से सही पूर्वानुमान के साथ पहले दौड़े और फिर पलटे, अन्यथा यह कैच, इस मुश्किल कैच को उन्होंने आसान बना दिया, अन्यथा कैच इतना सरल नहीं था। तो वापस गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी के लिए। ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, स्क्वायर कट किया पॉइंट के एरिया में, फील्डर मौजूद है, बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। ये उस पारी में रन ना लेके दूर दूर मार के और रन ना लेके ये बताया कि हमने मैच छोड़ दिया है और वहां से फील्डर कैजुअल हुए और अलर्ट होने का मौका नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों ने। दरअसल सेफियंस को पता ही नहीं चला कि ये मैच में वापसी कब कर चुके हैं। क्रिकेट कई बार माइंड गेम भी हो जाता है। हवा में उछाल दिया, फील्डर बॉल पर आ रहे हैं, क्या पहुंच पाएंगे, जी नहीं, एक बार फिर सुरक्षित गिरी बॉल, ललित दूर रह गए, बहुत दूर रह गए ललित। और यहां पर डीजे कैच छूटा और कैच भी छूटा किससे, सबता नासिर रसूल से कैच छूट गया और भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। स्वीप के लिए गए थे दरअसल, टॉपेज लिया और नासिर को जाना पड़ा, सब कुछ ठीक कर लिया था लेकिन कैच छूटा, कैच ड्रॉप। जबकि ओवर नंबर 14, प्रगति पर और एक और विकेट, ऊपर का बॉल जोर से मारने के लिए गए थे, बॉल की लाइन को बेस किया और यहां पर ये लीजिए शुभम आए और गए, पलटवार कर दिया यहां पर जवाबी हमला। फिलहाल
रंजीत राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसकी कोई टिकट नहीं है। अभिषेक शर्मा है गेंदबाज और स्ट्राइक पे मैंकी। ये मयंक रावत ने बढ़िया स्लॉग स्वीप लगाया स्क्वायर लग के ऊपर से, बैकवर्ड स्क्वायर लग के ऊपर से 6 रन, अंदर का बॉल वापस। ये बढ़िया शॉट सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, ये थोड़ा छोटा बॉल है, बढ़िया पुल कर दिया उसे और मिड विकेट एरिया में। हमारे डीजे वाले बाबू को पैसे कमाने का मौका था, लवली अरोड़ा जी ने घोषित कर रखे हैं लेकिन वो प्रयास नहीं कर पाए। ये देखिए सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स का जो बोर्ड लगा है उससे जाके टकराई बॉल। कैमरा गेंदबाज ये अच्छा बॉल डॉट बॉल। 114 इस समय रन संख्या है, ओवर नंबर 16 प्रगति पर है और ये लीजिए एक बार फिर हवा में, लेकिन मेरे को अंदर लग रही है बॉल। ओ जी नहीं, ये 6 रन। कौन का फील्डर ये? फील्डर भी करण डागर थे जरूर लेकिन अर्जित कर रखी है हालांकि। और वापस गेंदबाज, अच्छा फ्रंट फुट निकाला, सिंगल के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन मना किया नौ स्ट्राइक की अटके बल्लेबाज। अपना अगला ओवर लेकर के अंतिम ओवर भी होगा अभिषेक का ये, और सामने है बल्लेबाज मयंक रावत। 18 गेंदे 28। अब देखना है क्या कुछ होता है इस ओवर में। वो द विकेट ऊपर का बॉल, LBW की अपील। जी नहीं, जोर से मारना चाह रहे थे, कामयाब नहीं, कोई रन नहीं। ये तीसरे अंपायर की ओर फैसला लिया गया है, टू आउट है। तो नॉट आउट। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं, हालांकि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, पंजाब रणजी टीम के कप्तान भी हैं। उधर हरप्रीत बराड़, देखना है क्या करते हैं। 7 विकेटें गिर चुकी हैं, 138 रन स्कोरबोर्ड पर। लेग स्टंप की ओर के बॉल को कलाइया ले गए, खतरा हो सकता है, बेहद करीब दरअसल जितना। और ये LBW रिव्यू कॉल किया है यहां पर, लगातार एक बार फिर दूसरी विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या फैसला रहेगा। कौन है डिसीजन पेंडिंग, खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस इस समय। मेरी आवाज आ रही है बस उस साइलेंस को तोड़ने के लिए। यही होता है क्रिकेट में, रहस्यमय खामोशी कहते हैं ना। फिर एक बार फिर कह रहा हूं कि किसी के खामोशी को अंदाजे से ना नापिए जनाब, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। अब देखना है गहराई कौन दिखाता है। पिन ड्रॉप साइलेंस,
अभी अंपायर देख रहे हैं हर एंगल से। और यहां पर अंपायर का फैसला आउट एंड हरप्रीत बराड़ गॉन। तो इस प्रकार से ये विकेट नंबर 8 गिर चुकी है और अब बैटिंग टीम के लिए थोड़ा मुश्किल